हाँ, शाहबाद और मगध का कुछ इलाका जहाँ अंतिम चरण में मतदान हुआ है, वहाँ नुकसान तो उस इलाके में हुआ ही है, इसमें कहाँ कोई दो राय है। एनडीए का नुकसान सबसे ज्यादा उसी इलाके में हुआ है, लेकिन इसको हम मीडिया के माध्यम से सार्वजनिक करें इसकी जरूरत नहीं है, इसका और नुकसान ही हो सकता है। इसलिए हम आपस में एनडीए के नेताओं के साथ हम बैठेंगे और वहाँ चर्चा करेंगे जहाँ चर्चा करना जरूरी है। नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ प्रिया। बिहार विधानसभा 2025 की तैयारी अब तमाम पार्टियों ने शुरू कर दी है, जहां एक तरफ कुशवाहा जाति को मद्देनजर रखते हुए आरजेडी ने संसदीय दल का नेता अभय कुशवाहा को बनाया, तो अब उपेंद्र कुशवाहा भी एक्टिव हो गए। आज उपेंद्र कुशवाहा ने भी बैठक करके एक समीक्षा बैठक बुलाई, जिसमें तमाम कार्यकर्ताओं को बुलाया उन्होंने, खासकर शाहबाद इलाके के जितने भी कार्यकर्ता हैं उनको बुलाया है उपेंद्र कुशवाहा ने। और आज बैठक करके मीडिया के सामने अपनी बातचीत रखी कि आखिर क्या कुछ वजह रही कि शाहबाद में उपेंद्र कुशवाहा की जो पार्टी है वो अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाई। न सिर्फ उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी बल्कि पूरी की पूरी एनडीए शाहबाद में एक तरीके से कमजोर पड़ती हुई दिखाई दी। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा। हाँ, शाहबाद और मगध का कुछ इलाका जहाँ अंतिम चरण में मतदान हुआ है, वहाँ एनडीए के पक्ष में अनुकूल जो अपेक्षा थी उसके हिसाब से परिणाम नहीं आया, इसलिए हमने खास करके उन इलाके के लोगों को आज बुलाया था और वहाँ सब लोगों के साथ समीक्षा हमने की है और इसके बाद फिर पूरे बिहार के लोगों को बुलाएंगे और बिहार भर की समीक्षा होगी। लेकिन जहाँ की समीक्षा हुई है, आज आए थे सब जगह के लोग और मिल बैठ करके हम लोगों ने देखा है कि क्या कारण हुआ जिसके चलते इस तरह का परिणाम आया। तो जो कुछ भी समीक्षा के उपरांत निष्कर्ष के रूप में हम लोगों ने देखा है, एनडीए में बैठ करके उन चीज़ों की चर्चा हम करेंगे ताकि आगे की रणनीति इन चीज़ों पर ध्यान देते हुए बेहतर से बेहतर हम बना पाए। ये कहा जा रहा है कि काराकाट के कारण अंतिम जो 10 से 8 सीटों का चुनाव हुए उसमें बहुत नुकसान हुआ है एनडीए। नुकसान तो उस इलाके में हुआ ही है, इसमें कहाँ कोई दो राय है। एनडीए का नुकसान सबसे ज़्यादा उसी इलाके में हुआ है, लेकिन क्यों हुआ, इसके पीछे क्या कारण थे, उन कारणों पर चर्चा आज की बैठक में हुई। लेकिन इसको हम मीडिया के माध्यम से सार्वजनिक करें इसकी ज़रूरत नहीं है, इसका और नुकसान ही हो सकता है। इसलिए हम आपस में एनडीए के नेताओं के साथ हम बैठेंगे और वहाँ चर्चा करेंगे जहाँ चर्चा करना जरूरी है। लेकिन जिस तरह से देखा जाए कि 24 में जो चुनाव हुआ उसमें एनडीए कोऑर्डिनेशन नहीं देखने को मिला, तो आने वाले विधानसभा में देखने को मिलेगा इस तरह से एनडीए में? नहीं, बेहतर से बेहतर कोऑर्डिनेशन हो, हर तरह से इसकी आवश्यकता तो है ही, तो आगे हम सब लोग मिलकर इस काम को करेंगे। उपेंद्र कुशवाहा नाराजगी नहीं एनडीए से कुछ? नहीं, नाराजगी का कहा, नहीं नहीं नाराजगी की बात कहीं से न थी न अब है, इसलिए नाराजगी का कहाँ सवाल है, क्यों नाराजगी होगी। जो कुछ भी परिणाम हुआ है उसके पीछे क्या कारण रहे हैं, समीक्षा के उपरांत जैसा कि हम बता रहे हैं आपको बार बार कि इन कारणों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन मीडिया के माध्यम से नहीं करेंगे। जहाँ चर्चा करने की ज़रूरत है, एनडीए का आंतरिक मामला है, तो वहाँ हम चर्चा करेंगे ताकि आगे की रणनीति बेहतर हम बना सकें। लेकिन विपक्ष मास्टर स्ट्रोक खेलने के लिए तैयार हो गई है 2025 में, जिस तरह से देखा जाए जो कुशवाहा जातियों को बढ़ाने में लगे हुए हैं। देखिए, वो सब लोगों को मालूम है कि विपक्ष के लोग मौका जरूर खोज रहे हैं और तात्कालिक रूप से उनको भले कहीं लाभ मिल गया हो, वरना विपक्ष कुछ नहीं कर पाएगा। हम सब लोग मिलकर एनडीए के लोग पूरी मजबूती के साथ काम करेंगे, बेहतर से बेहतर रणनीति बनाएंगे, विपक्ष कुछ नहीं कर पाएगा। अंतिम सवाल है सर, आरक्षण का जिस तरह से दायरा बढ़ाया गया था बयान में, अब हाईकोर्ट उसमें स्टे लगा दी है, इसमें कह रहे हैं विपक्ष की, हम लोग जान रहे थे कि ऐसा होने वाला है क्योंकि अपने पास नहीं रख पाए। नहीं नहीं, विपक्ष के लोग जो कुछ भी कहें, कोर्ट का फैसला हुआ है, निश्चित रूप से हमने भी कहा है हाईकोर्ट का फैसला दुर्भाग्यपूर्ण है और सरकार को आगे अपील में जाना चाहिए। तेजस्वी यादव आभार यात्रा निकाला है 15 अगस्त में पूरे बिहार में, क्योंकि 0 से 4 सीट लाए हैं, उसको आभार यात्रा निकालते रहे आभार यात्रा, उससे क्या फर्क पड़ता है। उन्हीं की पार्टी जो पहले सत्ता में होती थी, देश की सत्ता में, राज्य की सत्ता में, आज 4 सीट ला करके बहुत संतुष्ट नजर आ रहे हैं, तो आभार यात्रा निकालते रहे। इसी तरह का परिणाम विधानसभा चुनाव में भी आएगा, जब विपक्ष के नेता बनने लायक भी शायद स्थिति न रहे और तब भी आभार यात्रा निकालेंगे तो निकालते रहें। सरकार
देखो, वो तो एक अलग विषय है अध्यक्ष। देखिए, हमारा यह कहना है इस मामले में कि भारत के शिक्षा मंत्री जी देख रहे हैं इन चीज़ों को, अलग अलग राज्यों में जहाँ जहाँ जांच चल रही है तो उस पर अलग अलग एजेंसी देख रही है, और कुल मिला जुला कर जो भी उचित निर्णय होगा भारत की सरकार लेगी। साथ ही साथ यह मामला कोर्ट में भी है, तो कोर्ट से भी उचित फैसला, उचित निर्देश समय पर निश्चित रूप से जारी होगा। अब जिसका भी नाम आ रहा है, जांच होगी तो जो लोग भी गड़बड़ किए होंगे सब लोग पकड़े जाएंगे, इसमें क्या दिक्कत। विधानसभा चुनाव और पूरी मजबूती के साथ हम लोग लड़ेंगे। लोकसभा चुनाव में जो कमी रह गई, जिसकी हम समीक्षा करके जानकारी ले रहे हैं, उन कमियों को दूर करेंगे और पूरी मजबूती के साथ एनडीए विधानसभा का चुनाव लड़ेगा और जीतेगा। तो आपने सुना उपेंद्र कुशवाहा को जिस तरीके से न सिर्फ काराकाट लोकसभा सीट जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को मिली थी, बल्कि शाहबाद इलाके की जितनी भी सीटें थी उन सीटों पर खास जो है वो दबदबा नहीं बना पाई थी एनडीए, और नतीजा माले को मिला, क्योंकि शाहबाद इलाके से लगातार दो सीट माले और वो भी जीतने वाले प्रत्याशी कुशवाहा समाज के थे। अब इस चीज़ को लेकर के जैसे ही उपेंद्र कुशवाहा ने एक बैठक बुलाई और इस बैठक में उन्होंने बताया कि जो खास दिक्कतें थी वो ये थी कि जितनी वोटें उनको आनी चाहिए थी उतनी वोटें आ नहीं पाई, और ये तमाम जो जानकारी उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के से इकट्ठा कर ली है, और ये जानकारी अब एनडीए को एनडीए की बैठक में वो बताने भी वाले हैं कि आखिर शाहबाद इलाके में अच्छी खासी परफॉर्मेंस क्यों नहीं रही। इस चीज़ को लेकर के उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, वहीं जब पूछा गया कि आरजेडी ने संसदीय दल का नेता अभय कुशवाहा को बनाया है खास जो जाति है कुशवाहा समाज को रिझाने के लिए, कहीं ना कहीं इस चीज़ को देखा जा रहा है कि आरजेडी ने एक कदम उठाया, तो उस पर उपेंद्र कुशवाहा का कहना है कि आरजेडी कुछ भी कर ले लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव में उनकी ऐसी हालत हो जाएगी कि नेता प्रतिपक्ष चुनने के लायक भी आरजेडी नहीं बचेगी। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।